स्टूडेंट आई एम योर मैथ्स टीचर फ्रॉम लतीफ़ नियाज़ी मेमोरियल हाई स्कूल। आज हम अप्लाई करें बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.3। और बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज हम यहाँ पे एक लॉ पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, जिसको हमने क्वेश्चन लॉ का नाम देना है दिया है। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें भी हमने प्रोडक्ट लॉ पढ़े थे, दो लॉ पढ़े थे जिसमें हमने जिसके थ्रू हमने अपनी एक्सरसाइज सॉल्व आउट की थी। इसी तरीके से बेटा हमने यहाँ पे अप्लाई करना है 4.3 हमारे पास जो मौजूद है। 4.3 में भी हमने यहाँ एक लॉ डिस्कस करना है, दिस इज क्वेश्चन लॉ। नाउ प्लीज लेट्स स्टार्ट। जी बेटा, इस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा हमारे पास बात करेंगे व्हेन बेसिस आर डिफरेंट, कि जब हमारे पास बेसिस डिफरेंट होती हैं बट एक्सपोनेंट आर सेम, और जब एक्सपोनेंट दैट मींस पावर जब हमारे पास सेम होती हैं तो बेटा हम क्या करते हैं बेटा उसको यहाँ पे हम शो करें, देन द क्वेश्चन लॉ इज ए पावर एन डिवाइडेड बाई बी पावर एन इज इक्वल टू ए अपॉन बी दैट मीन्स ए डिवाइडेड बाई बी एंड होल पावर एन। अब ये आपके पास कह रहे हैं कि बेसिस डिफरेंट हैं तो पावर आपके पास कॉमन है, एक जैसी है, तो हमने इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं वेयर ए एंड बी आर रैशनल नंबर। ए और बी हमारे पास आपको मालूम है फ्रैक्शन फॉर्म में नज़र आ रहा है आपको बेटा, आप देख सकते हो फ्रैक्शन फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो ये रैशनल नंबर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। एंड उसके बाद कह रहे हैं विद बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड एन इज़ अ नेचुरल नंबर। आपको मालूम है कि बी अगर जो डिनोमिनेटर है अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो, ठीक है ना, बी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है और एन इज़ अ नेचुरल नंबर एंड जो पावर है वो नेचुरल नंबर है। आपके पास आपको मालूम है कि रैशनल नंबर बेटा कैसे होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो के इक्वल हो जाता है तो हमारी वो फ्रैक्शन ख़त्म हो जाती है, ठीक है बेटा। यहाँ ये कह रहे हैं बी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम इससे रिलेट यहाँ पे एक एग्जांपल हमें नज़र आ रही है, ठीक है बेटा। 5 पावर आपको नज़र आ रहा होगा 2 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2। मैं सबसे पहले इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करूँगी, ठीक है बेटा, दैट इज़ रैशनल नंबर। अब आप देख सकते हो कितनी टाइम्स ओपन हो रहा है, 5 2 टाइम्स ओपन हो रहा है 3 2 टाइम्स ओपन हो रहा है। अब आप कैसे करोगे, ये किस तरह से होगा, आप ये देखोगे कि आपके पास जो है 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे, ठीक है, 5 न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर। आप देख सकते हो बेटा 5 अपॉन 3 दोनों में से हमने ये कॉमन कर लिया, 2 आपके पास यहाँ पे मौजूद है, 2 किस तरह से मौजूद है बेटा, 2 यहाँ पे होल पावर की सूरत में मौजूद है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ जो हम बात कर रहे हैं सेकंड एग्जांपल की, 7 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3, ये आपके पास मौजूद है 7 अपॉन 2। मैंने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में किया, उसके बाद आपने ये देखा मैंने इसको ओपन कर दिया, कितनी टाइम्स ओपन हुआ है बेटा, ये 3 टाइम्स ओपन हुआ है, ये भी 3 टाइम्स ओपन हुआ है, तो होल पावर क्या बन जाएगी, 7 अपॉन 2 होल पावर 3। इससे ऊपर वाली एग्जाम्पल में मैंने आपको अभी बात बताई थी कि 5 अपॉन 3 क्या पावर थी, 2, 3 आपके पास इसकी पावर भी थी 2, तो मैंने 2 टाइम इसको ओपन किया है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पावर हमारे पास जो कॉमन थी वो वैसी ही रहेगी, हमारे पास 5 अपॉन 3 होल पावर 2 के साथ शो होगा। बिल्कुल इसी से रिलेटेड बेटा मैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आपको सॉल्व आउट करवा रही हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। जी बेटा, हम बात कर रहे थे यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 4.3 की, इसमें यहाँ हमारे पास कहा जा रहा है नंबर 1 क्वेश्चन में सिंप्लीफाई बाय यूजिंग क्वेश्चन लॉ, यानी हमें अपना लॉ यूज़ करना है, अकॉर्डिंग दिस लॉ हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज को। आप देख सकते हो बेटा क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है 5 पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 पावर 4। पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे रैशनल नंबर में, ठीक है बेटा। आपको मालूम है कि मैंने पहले बताया था जो हमने प्रोडक्ट लॉ किया था उसमें हमने कहा था बेसिस अगर हमारी सेम होती है तो पावर प्लस हो जाती है, इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन लॉ में यहाँ पे बेसिस अगर सेम है तो पावर हमारी माइनस करेगी, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पे 5 पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 पावर 4, मैं इसको आपको अभी प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाती हूँ। जी बेटा, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा अपना 5 पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 पावर 4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मालूम है कि डिवीजन साइन मौजूद है, मैं इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करूँगी, ठीक है। अगर आप रैशनल नंबर में यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखिए बेटा आपके पास ये कंडीशन बनेगी 5 पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 पावर 4। अब ये दोनों बेसिस हमारे पास सेम है तो ये हमारे पास आ गई कॉमन, और पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी बेटा, 7 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 3। आपको पता है कि जब हमारे पास ये 5 जो मौजूद है, ठीक है, इसकी पावर है 4, जब मैं इस पावर को ऊपर लेकर जाऊंगी तो ये प्लस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे लॉ के थ्रू हमने क्या किया कि जब बेसिस सेम होंगी तो हम पावर को माइनस करेंगे, और प्रोडक्ट लॉ में हमने क्या किया था, बेसिस सेम होंगी तो पावर को प्लस करेंगे, यानी हमारे पास बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर ये हमें क्वेश्चन करेंगे तो हमें साइन यहाँ पे फॉलो करना होगा अकॉर्डिंग योर रूल, फिर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5 पावर 3। इसी तरीके से बेटा हमारे पास यहाँ पे रैशनल नंबर की सूरत में भी क्वेश्चंस हैं, 5 अपॉन 7 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय
5 अपॉन 7 होल पावर 2। आप देख सकते हो बेटा बेसिस हमारे पास सेम है। जब बेसिस सेम होंगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बेसिस को वन टाइम लिखेंगे, और जाहिर है ये अगर हम नोटिस करें तो ये इस तरह से लिखा जा रहा है 5 अपॉन 7 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 7। यहाँ हमारे पास पावर है 5, यहाँ हमारे पास है पावर 2। ठीक है बेटा, जब ये अभी ये 2 प्लस का है, जब मैं यहाँ पर 5 अपॉन 7 होल पावर हमारे पास है 5, जब मैं इस पावर को ऊपर लेके जाऊँगी फॉर अकॉर्डिंग यूर रूल कि हम इसको जब माइनस करेंगे तो प्लस थी, ये जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3। यानी 5 अपॉन 7 होल पावर 3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ये हमारे पास इसके चंद क्वेश्चन में बेटा आपको भेजूंगी व्हाट्सअप, और कुछ बेटा आपके होमवर्क होंगे। अब इसका हम बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, बी पार्ट हमारे पास कहा जा रहा है बेटा, यहाँ पे बुक में कहा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन है वेरीफाई। अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने बात की थी कि जब हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे होते हैं तो हमारे पास पहले से यहाँ पे सॉल्व आउट करके दिया जा रहा होता है, और हमें लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करना होता है। तो हम किस तरह से करेंगे बेटा, अब हम इसको किस तरह से करेंगे बेटा, फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2 अपॉन 9 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 9 एंड होल पावर 2, और इज इक्वल टू कह रहे हैं 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 पावर 3। ठीक है बेटा, आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिस सेम है, बेसिस के सेम होने की वजह से हमें अपने लॉ के थ्रू बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं 2 अपॉन 9। ठीक है बेटे, 2 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 9 होल पावर 2। अभी ये पावर बेटा प्लस में है, अब मैं क्या करूँगी 2 अपॉन 9 जब मैं इसको यहाँ से कन्वर्ट करूँगी ऊपर लेके जाऊँगी तो मेरे पास ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटे, और 2 अपॉन 9 होल पावर 3 आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि इसका जो राइट साइड है बेटा वो कह रहा है 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 पावर 3। अब हम इसको किस तरह से फॉलो करेंगे, हम इसको इस तरह से फॉलो करेंगे कि आप ये जो फिगर है हमारे पास ये भी किसके इक्वल है, अगर आप देखो तो बेटा ये इक्वल है 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 पावर 3। यानी ये हमारे पास बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम इसको किस वे में लिख सकते हैं, हमारे पास किस तरह से हो जाएगा बेटा ये 2 अपॉन 9 होल पावर 3। दिस इज़ लेफ्ट टू राइट साइड इक्वल। ठीक है बेटा, लेफ्ट टू राइट साइड इक्वल हो गया। मैंने अभी समझाया आपको कि आप किस तरह से फॉलो कर सकते हो, बेसिस हमारे पास सेम है, हमने इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों कंपेयर करें हैं तो हमारे पास यहाँ पे बेसिस सेम है और पावर हमारी डिफरेंट है। जब डिवीजन में पावर डिफरेंट होती है तो हम माइनस करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास पावर हमारे पास किस वक्त माइनस होती है, जब डिवीजन हम कर रहे होते हैं लॉ ऑफ क्वेश्चन के थ्रू, बेसिस सेम होने की सूरत में हम माइनस करेंगे। और यहाँ पे राइट साइड को हमने लेफ्ट के इक्वल और लेफ्ट को राइट के इक्वल हमने किया, ये हमारे पास बोथ साइड आंसर इक्वल आ गया। इसी से रिलेटेड हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हम अप्लाई करते हैं। जी बेटा, बात कर रहे थे हम अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हो बेटा हमारे पास इंटीजर्स दिए गए, नेगेटिव इंटीजर्स दिए गए। ठीक है, लेफ्ट साइड पे माइनस 3 पावर आपके पास दी गई है, यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय माइनस 5 और पावर हमारे पास यहाँ पर दी गई है 8। यानी बेसिस हमारे पास दोनों डिफरेंट हैं। जी बेटा, यहाँ हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास इंटीजर्स माइनस इंटीजर्स यूज़ हो रहे हैं। आप देख सकते हो माइनस 3 पावर 8 डिवाइडेड बाय माइनस 5 पावर 8। बेसिस हमारे पास डिफरेंट है, पावर हमारे पास सेम है, जबकि इस पर राइट साइड पे हमारे पास दिया गया 3 अपॉन 5 होल पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 5 होल पावर 2। यहाँ पे बेसिस सेम है और पावर हमारी डिफरेंट है। ठीक है बेटा, अब इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड वाली फिगर जो हमारे पास दी गई है इसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी फ्रैक्शन बनानी है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया और आप देख सकते हो यहाँ पे होल पावर जो इसके पास आ गई वो 8। क्यों? क्योंकि दोनों की पावर सेम थी, माइनस कैंसिल बाय ईच अदर। ठीक है, और यहाँ हमने क्या किया बेटा, यहाँ हमारे पास दी गई थी, जी बेटा यहाँ हमारे पास बेसिस सेम दी गई है, तो हम क्या करेंगे 3 अपॉन 5 ठीक है डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 5। तो हमने क्या किया, अभी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसमें यहाँ पे इसको फॉलो करेंगे, 10 माइनस 2 कर देंगे डिवीजन में। हमारे पास हमने बात बार बार समझा रही हूँ कि बेसिस सेम होंगी तो पावर माइनस होगी। ठीक है, हमारे पास आ गया 3 अपॉन 5 होल पावर 8। ठीक है, अब आप देख सकते हो 3 अपॉन 5 होल पावर 8, इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गया। इस तरीके से बेटा हमारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, और मैं कुछ क्वेश्चन आपको व्हाट्सअप करूँगी और कुछ बेटा आपने एज होमवर्क करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।